रेडी। तो फ्रेंड्स अब इस बाइक का पीछे का जो रियर व्हील का स्विंग आर्म है ये है बॉक्स टाइप स्विंग आर्म। इसका जो बूश रहता है इधर बीच वो डैमेज हो गया, इसको खोल के हमको इसका बूश को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए हमको पीछे का चक्का इंक्लूडिंग रियर चेन कवर इस पोजीशन को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद लिंक अप जो सस्पेंशन है उसका नाट अगड़ा बगड़ा सब कुछ खोलना पड़ेगा। उसके बाद इसके एक्सेल को निकाल कर बियरिंग को ओपन करके फिर इसको सेटिंग करना है। तो कैसे करना चाहिए आप लोग एंजॉय करो ये वाला वीडियो। तो स्विंग आर्म को ओपन करने के लिए आपको कौन सा बोल्ट को ओपन करना चाहिए ये देखो, ये है लिंक अप सस्पेंशन लिंक अप, ये स्विंग आर्म का नीच पोजिशन से ये लिंक अप बूश के साथ ये वाला 17 नंबर नाट रहता है और इसके बगल में ये दोनों पर 17 नंबर नाट रहता है, दोनों को ओपन करना चाहिए। अगर आपको ये ओपन नहीं करोगे तो स्विंग आर्म कभी भी लूज नहीं होगा। और स्विंग आर्म का मेन एक्सेल जो ये वाला इसका 22 नंबर नाट से जुड़ा हुआ रहता है, इसको भी ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो कैलिपर ब्रेक लाइन है, ब्रेक लाइन भी इधर स्विंग आर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है एक फिलिप्स स्क्रू के सहारे, इसको भी ओपन कर लेना है। इसको इधर भी रख दो, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ खींचो। और याद रहे जब भी ये चेन स्प्रॉकेट को आपको चेंज करना पड़ेगा तो आपको स्विंग आर्म को ओपन करना ही पड़ेगा। और फिर इस चेन को जब सेटिंग करना है तो स्विंग आर्म के साथ इंक्लूडिंग इसको सेटिंग करना है, ठीक है। और इसके साथ ये चेन स्लाइडर भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ निकलने से निकल जाएगा ये वाला बोल्ट को सिर्फ से ओपन करना है। लास्टिंग बड़ी है, ओपन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अब ओपन हो गया ये देखो लिंक अप। अब इसको बाहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चेन के साथ ये अब निकल गया, नहीं तो छोड़ दूंगा। आप इस स्विंग आर्म का जो बूश को चेंज करने के लिए आपको आउटर तो सबसे पहले आउटर डस्ट सील को रबर का ओपन कर लेना चाहिए। और एक जो राइट साइड पर है ये छोटा वाला बूश रहेगा एक, और इसके अंदर एक बियरिंग रहेगा, बियरिंग का जो सर्किप रहता है एक्सटर्नल सर्किप, वो एक्सटर्नल सर्किप ओपनर से आपको सर्किप को ओपन कर लेना चाहिए। अभी बियरिंग को चेंज करना पड़ेगा। अब इस साइड पर भी एक ये डैमेज हो गया, ये ऑयल सील ले लिया डस्ट सील, और ये बूश टोटली सीज हो गया इधर देखो घूम नहीं रहा है। इसको हमको बाहर की तरफ खींच खींच के बाहर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लुब्रिकेशन करना पड़ेगा इस साइड पर। ये टोटली रास्ट आ गया इधर, इस साइड पर डबल बियरिंग रहता है, ड्यूअल बियरिंग, ये देखो अंदर की तरफ दिख रहा है ये सेम बियरिंग, इसका इधर दिख नहीं रहा है कितना पर देख के बताना पड़ेगा। अब देखो इसका हालत देखो, इसको खींच खींच कर बाहर की तरफ निकलना पड़ रहा है। शांति निकल नहीं रहा है। ओहो उफ आह लाना। अब देखो इस बूश का हालत देखो, ये देखो ये नीडल बियरिंग, ये देखो ये नीडल बियरिंग रहता है इधर, और इधर बीच एक लॉन्ग बूश रहता है, लॉन्ग बूश के पास नीडल बियरिंग और फिर छोटा वाला बूश। इसके बाद इस साइड से हमको कोई भी स्क्रू ड्राइवर घुसा के इसको बाहर की तरफ
इस बियरिंग बाहर आ जाएगा, देखो ऐसे ऐसे करके। अब इस बियरिंग को निकालने के लिए आपको एक बड़ा वाला एक्सेल की जरूरत है। इसको अंदर की तरफ घुसाओ, घुसाने के बाद इसके ऊपर हैमर से 2-3 घाय लगाओ, बियरिंग बाहर की तरफ चला जाएगा। देखो एक निकल गया, आप दूसरे वाला खरीए, इसको भी निकालेंगे। अब हो गया दोनों बियरिंग। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये नीरल बियरिंग है। नीरल बियरिंग को निकालने के लिए थोड़ा बहुत कसरत तो करना ही पड़ेगा। ये वाला जो नीरल बियरिंग वाला बुश है, ये देखो, ये नीरल बियरिंग वाला जो बुश है ये आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि ये टोटली इसके साथ लास्टिंग होके सीज होके रहा है। लेकिन इसको निकालने के लिए कोई भी जगह भी नहीं है। आप कोई भी एक्सेल घुमा के, कोई भी बियरिंग एक्सट्रैक्टर से आप इसको निकालने की कोशिश करोगे, ये वाला चीज़ भी नहीं है। ये बिल्कुल, अगर इस पर हीट भी डालोगे तो भी, लेकिन इसको निकालने के लिए कोई भी जगह नहीं। ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, कोई भी एरिया नहीं जिसके हिसाब से आप इसको निकल सको। तो मेरे पास एक मॉडिफाई दिमाग आया, मॉडिफिकेशन मेथड, वो आपको क्या करना पड़ेगा। मेरे यह कोशिश, मुझे पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये वाला बुश को, पुराना वाला जो बुश, इसको इसकी तरह घुसा दूंगा। उसके बाद ये वाला पोजीशन को दोनों एक करके इस पर जो गैस होल्डिंग होता है, इलेक्ट्रिक नहीं, गैस होल्डिंग, जो ऑक्सीजन के सहारे वो गैस होल्डिंग करके इस पर जोड़ देंगे और इस पर, इसके ऊपर हीट देंगे। उसके बाद ये इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर इस पर एक्सेल डाल के पीछे से धक्का देंगे तो ये वाला निकलेगा। अगर ये वाला मेरा मेथड सही हुआ तो आपका भी, अगर CBR 250 का नीडल बियरिंग चेंज करना पड़े तो आपको भी ऐसा परेशानी झेलना पड़ेगा। तो तब आपको यकीन आएगा तो इसको निकालने की कोशिश कैसा रहा, कैसे तरीके से इसके निकलेगा ये वाला। तो मेरा ये मॉडिफाई मेथड आखिर में काम करते हैं या नहीं ये देखना चाहिए। तो चलो, पूरा 360 मारो, ये देखो निकल रहा है। यानी मेरा प्लानिंग सही निकला। ये देखो, ये है वो वाला चीज, ये निकल गया। इसको अगर निकालना चाहिए तो मेरा ये वाला प्रोसेस अप्लाई करो। चलो, आई एम सक्सेस। इस स्विंग आर्म को हमने टोटली ओपन कर दी। देखो CBR 250, इसका जो लिंक अप सस्पेंशन है उसके साथ जो स्विंग आर्म है, इसका बुश को टोटली हमने ओपन कर दी। इसका टोटली पीछे वाले का जितने सारे धूल मैल गंदगी था उसको टोटली साफ किया। बहुत झेलना पड़ा परेशानी, लेकिन ये थोड़ा पार्ट आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ध्यान से सुनो। तो इसका दोनों तरफ की पार्ट होता है, एक बड़ा वाला साइज इस ग्रुप का और एक छोटा वाला साइज। छोटा वाला साइज पर ये वाला नीडल बियरिंग और ये वाला बुश सेटिंग होगा, इस साइड पर नीडल बियरिंग बुश, और इसके इससे पहले ये वाला लॉन्ग बुश जो सस्पेंशन बुश, सबसे पहले ये सेटिंग होगा, उसके बाद ये होगा, और सबसे लास्ट पे ये वाला दोनों बियरिंग 6202 इसका पार्ट नंबर 6202 ये वाला पार्ट नंबर है। ये दोनों बियरिंग एक साथ दोनों इधर भी बैठ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये लास्टिंग होने के बजाय से इस पर सबसे पहले हमको ये वाला जो निडिल बियरिंग बुश है ये वाला सबसे पहले हमको सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन सेटिंग करने से पहले हमको ध्यान में रखना चाहिए, इससे थोड़ा सा ब्लो टॉर्च के सहारे इसको थोड़ा सा हीट देना चाहिए, क्योंकि हीट देने से थोड़ा सा मेटल एक्सपेंड होने के द्वारा ये आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि इस पर
थोड़ा बहुत हैमरिंग करने से क्या होगा, ये नीडिल जो बियरिंग है, नीडिल अगर थोड़ा सा भी बेंड हो जाएगा ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, और थोड़ा सा ग्रीस अंदर की तरफ डाल देना चाहिए। और हाँ, इसका जो प्राइस है, प्राइस के बारे में, इसका प्राइस है, और इसका प्राइस है टोटली कुल मिला के 600 रुपीज, यानी दोनों बियरिंग का प्राइस है 300 रुपीज, और ये नीडिल बियरिंग बुश और ये वाला बुश का प्राइस है 300 रुपीज टोटल मिल के। और ये था पुराना वाला जिसको वेल्डिंग करके निकालना पड़ा, ये वाला पुराना वाला बुश और दोनों पुराना वाला बियरिंग, ये तीनों को सेटअप को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया पुराना वाला सेटअप। अब नया वाला सेटअप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पर ग्लो टॉर्च का फ्लेम देना पड़ेगा। तो फ्लेम देने के लिए ये वाला ग्लो टॉर्च आपको परचेस करना पड़ेगा, इसको या अंदर की तरफ हिट देना पड़ेगा दूर दूर से, ज्यादा देर तक हिट देना नहीं चाहिए क्योंकि इसका कलर डैमेज हो जाएगा। अब बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डालो, मैंने हाथ से दे रहा हूँ, मेरा हीट लेने का क्षमता है, लेकिन आप लोग मत करिए, आपको हाथ जल जाएगा आप लोगों का। ज्यादा हीट क्यों नहीं देना है, हीट एक्सपेंड होता है, और इसका अंदर जो नीडिल का सेटअप है वो फाइबर का होता है, अगर फाइबर में हीट चला गया, ये गल गया, तो ये भी बिगड़ जाने का चांसेस रहेगा। तो आप इसको क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मैलेट के सारे, फाइबर हैमर मैलेट के सारे, और इसके नीचे एक वुड को हमेशा रखना पड़ेगा क्योंकि ये डैमेज और कलर डैमेज ना होने, तो ये वाला भी आपको ध्यान में रखना चाहिए काम करने के वक्त पर। ये देखो आराम से घिस रहा है, अभी बुश को भी अंदर की तरफ उतर, लेकिन जो बाजाज का लिम्पेज ग्रीस उसको ये यूज करो क्योंकि सीबीआर का ग्रीस का बहुत प्राइस है। लिम्पेज वाला ग्रीस आप सारी जगह पर यूज कर सकते हैं, लाइक सीयरिंग कोन के बॉल जैसा, लाइक सस्पेंशन बूज, लाइक पीछे का चक्का, सामने का चक्का, आगे वाले चक्का, जिधर भी आप चाहो, बहुत अच्छा ग्रीस है। इसका प्राइस है ओनली फॉर 8 रुपीज। ये अंदर की तरफ बैठ गया, ये सस्पेंशन का जो अंदर की तरफ ग्रुप है पूरा बैठ गया, और ये वाला ग्रीस दिया, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको सेटिंग करो। तो बहुत बहुत करके ग्रीस डालो, कोई भी कमी ना आए, क्योंकि ये जिंदगी में एक बार ही आप लोग ओपन करेंगे। अगर एक्चुअली ये सर्विस में ओपन करता तो एक्चुअली इसको चेंज नहीं करना पड़ता, तो सर्विस सेंटर में तो ये वाला काम नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आपको खुद करना है, अगर आपको कोई टेक्नीशियन से कराना है, तो ये काम देख के उसको ऐसा ऐसा करके बताओ। तो ये पार्ट हो गया, अब आएंगे हम इस साइड पर। तो इस साइड पर सबसे पहले हमको इसको डाल देना चाहिए, अगर बियरिंग अगर घुसा दी तो इसको हम डालना भूल जाएंगे, तो इसको हमको डालना चाहिए। लेकिन डालने से पहले हमको थोड़ा बहुत लुब्रिकेट कर लेना चाहिए, नहीं तो रास्टिंग नहीं आएगा। फिर इसमें डाल दो, हो गया। उसके बाद ये दोनों बियरिंग पर ग्रीसिंग नहीं है, इस पर ग्रीसिंग हमको डालना चाहिए। इसमें ग्रीस प्रेशर डाल डाल के आपको डालना पड़ेगा,
नहीं तो सारी जगह पे नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना चाहिए। नंबर एक हो गया। नंबर दो हो गया और इस पर भी ग्रीस डालो। तो सेम प्रोसेस इस पर भी, अगर जब भी कोई बियरिंग किसी भी केस पर पहनाओ तो थोड़ा सा हीट का सहारा लो, नहीं तो ये घुसने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर हीट देने से ये घुसना आसान से घिस जाएगा। देखो लाइव एग्जांपल की तरह मेरा हथियार, हमेशा फाइबर मैलेट इसका सहारा लो, मैलेट का नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। अब इस पर जो इंटरनल सर्किट है इसको सेटिंग करना ताकि बियरिंग बाहर की तरफ ना आए, ये वाला दिया इसलिए। ये बैठ गया पूरा, ये देखो एक ग्रुप वाइज बैठ गया पूरा। और इसके बाहर की तरफ थोड़ा सा ग्रीस डालना है और फिर आउटर डस्ट सील कवर को डाल देना है सिर्फ उससे। ग्रीस देने में कोई भी कमी ना आए, क्योंकि ये तुम्हारा ग्रीस डालने से ही आप लोगों का स्विंगम अच्छा रहेगा। तो अच्छा ज्यादा करके करके ग्रीस डालो, यही मेरा एडवाइस है। और इस साइड पे छोटा सा बूस्ट आएगा वहां से। ये था वो छोटा वाला बूस्ट जो इस साइड पर आएगा। बिल्कुल आराम से मूव हो रहा है और कोई भी इधर उधर मूव नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गया स्विंगम बूस्ट को पहनने का तरीका। तो अब हम बाइक में सेटिंग करने वाले हैं, तो बाइक में सेटिंग करके पीछे का चक्का जोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसको सेटिंग करेंगे। फाइनली इसका लिंक अप सस्पेंशन के साथ स्विंग आर्म सेटिंग हो गया। तो हाँ एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसका जो टाइटनिंग टॉर्क वैल्यू, नेक्स्ट पार्ट, तो इसका लिंक अप सस्पेंशन का टाइटनिंग टॉर्क वैल्यू है 3.7 kgfm, यानी 4 भी आप जा सकते हैं 4 kg फुट मीटर, kgfm यानी kg फुट मीटर।
और जो मिडिल वाला जो 22 नंबर नाक के है उसका 6.7 kgfm ये वाला, तो इसको टाइटनिंग टॉर्क रेंच के सहारे इसको टाइट देना चाहिए। देखो ये देखो टक साउंड आ गया, टक साउंड आ गया, तो इसको छोड़ देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टाइटनिंग टॉर्क सीक्वेंस के सहारे कोई भी ऑटोमोबाइल को अगर सही तरह से आप टाइट दोगे तो इसका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छा होगा, ये ऑटोमोबाइल इंजन के रूल्स है। तो नीचे वाले दे दिए, ये भी हो गया। आप पीछे का चक्के सेटिंग करूंगा और पीछे के चक्के का टाइटनिंग टॉर्क वाले 10 kgfm 10 किलो की टाइटनिंग टॉर्क वैल्यू पे हमको देना चाहिए। उसके बाद ये सारे चीज अब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो टोटल बॉडी और क्लास सेक्शन वो आने वाला है, तो कीप वॉचिंग। तो चलो।